नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसके तुरंत बाद भाजपा ने राजस्थान के नेताओं को दूसरे राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक पदाधिकारियों को अन्य राज्यों में भेजा गया है। बीजेपी ने प्रदेश के नेताओं को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों में जाने के निर्देश दे दिए हैं। सबसे ज्यादा नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजा गया है। प्रदेश के नेताओं को अलग अलग राज्यों के उन लोकसभा क्षेत्रों में भेजा गया है जहां राजस्थान के निवासी रहते हैं। प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएंगे ये नेता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, सोमवार को कोलकाता पहुंच चुके हैं। अन्य नेता भी विभिन्न राज्यों में जाकर चुनावी मोर्चा संभाल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में काम शुरू कर चुके हैं। गहलोत, डोटासा इन राज्यों में प्रचार करेंगे। ये भी हम आपको बता देते हैं कि प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के दौरे अब पड़ोसी राज्यों को लेकर तय होने लगे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य कुछ राज्यों में पहले से ही स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। हालांकि अभी दौरों को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब से सटे हुए जिलों के बड़े नेता व विधायकों को इन राज्यों में प्रचार व चुनावी तैयारी के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि अभी कौन कहां जाएगा इसको लेकर प्रदेश इकाई सूची बना रही है। इस पर आपका क्या कुछ विचार है कमेंट करके जरूर बताएं कि नेताओं का कितना असर हो पाएगा जनताओं पर, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।